गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ। हम लोग को बनाना है लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी जमीन से जो ड्राइंग लगता हुआ दूर से दिखाई देता है उसको लैंडस्केप बोलते हैं। हम लोग को बनाना है ए लैंडस्केप। फोर्थ स्टैंडर्ड में अलग टाइप का लैंडस्केप दिखाई बनाया था हम लोग ने, जो एकदम अच्छी तरह से तुम लोग ने बनाया था। लैंडस्केप के अंदर ट्रीज, हाउस, सीनरी बहुत सारी चीज़ आती है जो दूर से दिखाई देती है, वो हम लोग को ड्रॉ करनी है बुक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मार्जिन के अंदर सब साइड पेपर के अंदर मार्जिन बनाएंगे। सब साइड से फोर्थ लाइन खींच के मार्जिन बनाने। मार्जिन बनाने के बाद हम लोग को ए वाला लैंडस्केप बनाना है। पिछले साल तुम लोग ने रिवर, माउंटेन और ट्री बनाया था, स्टोन और वो सब। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर ए वाला लैंडस्केप है, इसके अंदर ट्री, हाउस और गार्डन है, बराबर। अच्छी तरह से देखो और कैसे बनाना है वो भी कंप्लीट करो। देखो, फर्स्ट हम लोग को बनाना है बीचों बीच एक लाइन क्रॉस ऐसे, जिसके अंदर स्केल का सहारा भी ले सकते हो तुम लोग ऐसा। ए वाला पार्ट तुम लोग स्केल से भी बना सकते हो, जैसे कि हल्के हाथ से ए बनाया, फिर ए बनाया ऐसा, बराबर। क्रॉस लाइन लेके, अच्छी तरह से क्रॉस लाइन लेके वर्टिकल लाइन यूज करके बना सकते हो। फिर ए बनाना है वी शेप का आगे का, फिर हम लोग को ये बनाना है बॉक्स। बन गया ऊपर की साइड का हाउस का ए पार्ट। इतना करने के बाद हम लोग को हाउस का नीचे का पार्ट ड्रॉ करना है। ए लाइन को नीचे सीधा करो, फिर ए लाइन को नीचे सीधा करो, फिर यहाँ से ए लाइन को क्रॉस करो, फिर यहाँ से लाइन को क्रॉस करो, ए लाइन को पूरी ऐसी यहाँ पे आने दो। ये बन गया हाउस। मैं आज इतना ही बताऊंगी बच्चे लोग, ये अच्छी तरह से अच्छे शेप के अंदर इतना ही आना चाहिए तो ही तुम्हारा ड्राइंग परफेक्ट रहेगा। स्केल के भी, स्केल से भी बना सकते हो और बिना स्केल से भी बना सकते हो तुम। जितने हाथों से बनाओगे उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी, समझ में आया। फिर बनाना है हम लोग को डोर, दरवाज़ा। अच्छी तरह से देखो और बना। सिर्फ इतना ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पीरियड के अंदर मैं उसका चिमनी, ट्री, ए ट्री और उसका गार्डन का पार्ट नेक्स्ट पीरियड में सिखाऊंगा। मैंने इतना ही सिर्फ बताया है तुम लोग को आज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे चिमनी, ट्री और गार्डन का पार्ट, समझ में आया बच्चों। इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छी तरह से करो जिससे ये वाला शेप बराबर आना चाहिए। ए शेप नहीं आएगा तो तुम्हारा हाउस अच्छी तरह से दिखेगा नहीं। स्टे होम, स्टे सेफ।